हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं आटे से नमक पारे बनाने। फ्रेंड्स, जो खाने में फ्रेंड्स बहुत टेस्टी होता है, एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप सुबह चाय के साथ आप बनाइए और जो है खाइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस समय बारिश का सीजन चल रहा है तो आप इसे बनाइए। देखिए, हम चल रहे हैं बनाने, वीडियो स्टार्ट करने। तो हम तेल डाल दिए हैं कढ़ाई में, 4 से 5 चम्मच तक ऑयल डाले हैं फ्रेंड्स। हम आधा टीस्पून जीरा डाल दिए हैं, आधा टीस्पून अजवाइन डाल दिए हैं और 1 चम्मच फ्रेंड्स इसमें हम सफ़ेद तिल डाले हैं। हल्का सा हम होने देंगे इसे, तो हम कूट कर इसमें मिर्च और अदरक को डाल दिए हैं। हम थोड़ा सा पकने देंगे, फिर पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। देखिए, आधा टीस्पून नमक डाल दिए हैं स्वाद अकॉर्डिंग। हम फ्रेंड्स आधा कप तक पानी डाले हैं, एक बॉयल आने देंगे। देखिए, एक बॉयल आ जाएगा, फिर हम आटा को डालेंगे फ्रेंड्स। हम धनिया डाल दे रहे हैं, हरी धनिया काट के बारीक काट लिए थे उसे डाल दिए हैं। एक बॉयल आ गया है पानी में फ्रेंड्स, तो अब हम आटा को डाल देंगे। 1 कप आटा हमारा है गेहूं का आटा है, जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं फ्रेंड्स, वही है। और 3 चम्मच तक सूजी हमारी है, उसे भी डाल दिए हैं। 1 चम्मच हम बेसन डालेंगे। देखिए, बेसन डाल दिए हैं, तो अच्छी तरीके से हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है फ्रेंड्स। हम भून लेंगे आटे को, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल हो गया है। तो हम ढक के इसे फ्रेंड्स रखेंगे, बंद करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अब करीब 4 से 5 मिनट तक रख देंगे, ठंडा होने देंगे फ्रेंड्स। एक प्लेट में निकाल लिए थे तो ठंडा हो गया है। तो 2 आलू हम बॉयल कर लिए थे, हम इसे जो है ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, ग्रेट कर दे रहे हैं। आप इसे मैश करेंगे फ्रेंड्स तो बड़े टुकड़े रहेंगे, तो सही से नहीं बन पाएगा, इसलिए ग्रेट करके डालिए। तो हम ग्रेट कर लिए हैं। देखिए, अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे फ्रेंड्स। अच्छी तरीके हमें मिला लेना है। ये देखिए, एक डो फॉर्म में आ गया है। तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको बनाएंगे, आटे के शक्कर नमक पारे को। ये देखिए, हम अच्छी तरीके से इसे बना लेंगे। ये देखिए, लोई तरीके इसे हम कर लिए हैं। अब इसे हम बेलेंगे, क्योंकि आटा है फ्रेंड्स तो ये फटेगा जो है, तो इसलिए हमें अच्छी तरीके से बेल लेना है, फिर हमें काटना है। ये देखिए, किनारे किनारे का पार्ट फट जा रहा है, तो हमें अच्छी तरीके से बेल लेना है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, बेल लिए हैं। अब हम चाकू की सहायता से इसे किनारे का पार्ट जो है निकाल देंगे और हम कट कर लेंगे अच्छी तरीके से। किनारे का पार्ट हम निकाल दे रहे हैं। देखिए, किनारे से पार्ट हम निकाल दिए हैं। ये देखिए, किनारे का पार्ट हम निकाल दिए हैं और हम कट कर लेंगे। आप जिस भी शेप में इसे काटना चाहें फ्रेंड्स काट सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से लंबे शेप में इसे पतले शेप में काटेंगे। इसी शेप में काट रहे हैं, आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं, क्योंकि किसी भी शेप में आप काट के इसे फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, बीच से कट करेंगे, हम निकाल लेंगे एक एक करके और फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ना मोटा है ना बहुत पतला है ये। इसी तरीके हमें ये आटे का नमक पारा जो है बनाना है। देखिए, हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं और हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, तेल खूब अच्छा गर्म है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमें डाल देना है और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तेल खूब अच्छा गर्म हो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए, सारे डाल देंगे, 2 बार में फ्रेंड्स हम डालेंगे। ये देखिए, एक साइड में ब्राउन हो गया है, तो हम अच्छी तरीके से उसे उलट पलट के अच्छी तरीके हम पका लेंगे।
खाने में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए हम निकाल ले रहे हैं ये आटे का नमक पारा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। एक हम तोड़ के भी आप सबको दिखा देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बना है। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ या चाय के साथ आप खाइए। ये देखिए